वाला मैडम, मेरे पास ना अपने SBI कार्ड के 60 शेयर हैं 898 के। हेलो। हाँ ओके okay. और जी। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैं है जी। हेलो। कितना समय रख सकते हैं स्टॉक को? नहीं, रखने समय रखने की कोई बात नहीं, वैसे भी 6 महीने तो हो गए हैं मुझे लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भी मेरे पास, वैसे तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास ये शेयर जो है अटका हुआ है, और एक कैंपस का, कैंपस मेरे पास 290 पे है, 290 पे 100 शेयर, तो दोनों में मैं क्या करूँ, स्विच कर दूँ या होल्ड करूँ या सेल कर दूँ लॉस में? पूछ लेते हैं, कैंपस 290 के आसपास की बैंक, SBI कार्ड जिनकी है 898, क्या सजेशन रहेगा? जी, SBI कार्ड्स में देखिए सेलिंग प्रेशर तो काफ़ी है, और कहीं भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग इंटैक्ट है, हो रही है, बट हमारी सलाह रहेगी कि इसे होल्ड करे, क्योंकि जिस आपका स्टॉक के पेडिग्री है और जो जोन आया हुआ स्टॉक जिस लेवल्स पे, एक सपोर्ट जोन पे वापस अभी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इसमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। इसमें जो बड़ी रैली आएगी वो 800 का, जब इसका जोन है, जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो क्रॉस होने के बाद ही इसमें एक अच्छा बड़ा अप मूव देखने मिल सकता है, तो इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और होल्ड रखे। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो जरूर हमारी सलाह रहेगी एग्जिट कर ले इसमें से, क्योंकि एक IPO के बाद इसमें एक रैली बनी थी, और वो रैली जैसे ही फिजल आउट हुई है, हर लेवल्स पे इस पे सेलिंग देखने मिल रही है, तो कैंपस में हमारी सलाह रहेगी कि एक बार एग्जिट कर ले और SBI कार्ड को होल्ड कर रखिए। ओके okay. बात करेंगे अनिल कुमार से, चेन्नई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है?